ओके हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ सोलर एवरीडे। आज इस वीडियो में हम कंडक्ट करने वाले हैं अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट, जो कि है अर्थ पिट का रेजिस्टेंस जो हम टेस्ट करने वाले हैं। ये रहा हमारा अर्थिंग पिट। इसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया है, इस अर्थिंग पिट में जो ऑलरेडी अर्थिंग स्ट्रिप आई हुई थी उसको हमने डिसकनेक्ट कर दिया है और हमने इसके कॉपर के बस बार को एक्सपोज कर दिया है साफ़ करके और एक वायर यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। इसकी रेजिस्टिविटी आज हम चेक करने वाले हैं। ये एक सोलर प्लांट के डीसी साइट का अर्थिंग पिट है और IEEE स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम से कम होना चाहिए। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने कुछ अरेंजमेंट किया है। हमारे पास एक अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, इसे हमने कैसे कनेक्ट किया है उसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आपका अर्थ पिट टेस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और इस अर्थ पिट टेस्टर में आपके 4 पॉइंट्स हैं, E1, P1, P2, E2। तो E1 और P1 को हम शॉर्ट कर दिया है और हमने कनेक्ट कर दिया है अपने अर्थिंग पॉइंट से। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे तो E1 और P1 को हमने शॉर्ट किया है ग्रीन वायर से और ये ग्रीन वायर जाके कनेक्ट हो गई है हमारे अर्थिंग पिट से कनेक्ट हो गई है। और उसके बाद अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो P2 जो हमारा पॉइंट है, P2 से हमने 10 मीटर की दूरी पे एक इलेक्ट्रोड ज़मीन पे लगा रखा है B पॉइंट पे। तो P2 पे हमारी एक रेड वायर लगी हुई है और उसको हमने लगा रखा है एक इलेक्ट्रोड पे। तो आइए हम उस इलेक्ट्रोड के पास चलें। ये हमारा P2 पॉइंट पे एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जो कि 10 मीटर की दूरी पर है। इसी तरीके से अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो अभी डायग्राम में मैंने E2 पॉइंट से सबसे दूरी पे जो कि 20 मीटर पे एक दूसरा इलेक्ट्रोड लगा रखा है जो कि ब्लू और येलो वायर से कनेक्टेड है, जो कि वहाँ सामने लगा हुआ है उस पॉइंट पे, उस पेड़ के पास। ओके तो अभी इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले हम ये क्या कर रहे हैं, जो हमारी तीनों वायर है अर्थ पिट की, फर्स्ट इलेक्ट्रोड P2 और थर्ड E2 की वायर, तीनों वायर को मैंने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि इन जो 20 मीटर की वायर है इसका अपना भी एक सेल्फ रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वैल्यू को हम पहले फाइनल वैल्यू में से डिलीट करेंगे। तो उसके लिए मैंने वायर शॉर्ट करने के बाद 10 ओम्स में मैं इसको सेट कर रहा हूँ और सेट करने के बाद मैं यहाँ पर टेस्ट बटन को दबा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.25। ओके तो अभी जब हमारा पूरा एपरेटस कनेक्ट हो गया है, E1 हमारा कनेक्ट हो गया है अपने अर्थिंग पिट से जो कि यहाँ पे है और P1 इससे शॉर्टेड है और जो हमारा P2 है वो रेड वायर से इलेक्ट्रोड हमारी 10 मीटर की दूरी पे लगी हुई है और जो हमारा E2 है वो ब्लू और येलो वायर के कॉम्बिनेशन से सबसे फार्देस्ट 20 मीटर पे लगा हुआ है। ये हमारा अर्थ रेजिस्टेंट टेस्टर का किट है। ये अभी ऑफ पोजीशन पे है, ये इसकी चार्ज LED है। इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे इसका 240 वोल्ट का AC प्लग लगता है जो कि 12 घंटे चार्जिंग लेता है। तो अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए, हम इसका रेजिस्टेंस चेक करने के लिए पहले इसको 10 ओम पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम टेस्ट बटन को क्लिक करेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं 13.41 इसकी कुछ वैल्यू आ रही है। तो हम 10 ओम पे जो इसकी वैल्यू आई 13.41 इसको नोट डाउन कर लेंगे जो कि ओम्स में है।